मध्य प्रदेश के कटनी जिले में कांग्रेस ऑटो चालकों के समर्थन में आ गई है। शनिवार को ऑटो चालकों की बैठक हुई, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने कहा कि अब ऑटो चालकों से अवैध वसूली के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपभोक्ता संरक्षक प्रकोष्ठ हरिशंकर शुक्ला ने आरटीओ और पुलिस पर चेकिंग के नाम पर ऑटो चालकों को परेशान करने का आरोप भी लगाया। गंतव्य स्थान तक लोगों को सही सुविधा सही सेवा दे सके। शुक्ला जी, एक समस्या और है घटनी में, ओवरलोडिंग जी, और दूसरी किराया जी। इनका कोई किराया निर्धारित तो है नहीं, कहीं से भी बैठो कहीं उतरो 20 रुपया जी। अब आप स्टेशन से बैठे हो, सुभाष चौक उतर गए तो 20 रुपए कौन देना चाहे। अब बता रहे हैं इसमें क्योंकि मीटर व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन मीटर व्यवस्था छोटे शहरों में ये तो प्रशासन भी नहीं कर पा रहा। अगर इनके पास मीटर होगा तो मीटर का मिनिमम चार्ज तो 10 रुपए ही है आजकल, तो 10 रुपया अगर आप स्टेशन से, ये तो 5 रुपए में आपको स्टेशन से सुभाष चौक छोड़ देते हैं। अगर ये मीटर लगेगा तो मीटर का मिनिमम किराया भोपाल जैसे शहरों में भी, अपुर जबलपुर में भी और कटनी में भी इनका निर्धारित ये 12 रुपया या 13 रुपया ऐसा कुछ मीटर का न्यूनतम दर निर्धारित कर दिया सरकार ने। तो यहाँ हम ये मानते हैं कि अगर मीटर की व्यवस्था सरकार चाहती है तो उस व्यवस्था से भी ऑटो वाले काम करें। ऑटो में मीटर नहीं लगा हुआ है तो नाप तोल विभाग पैसा किस बात का लेता है? मीटर सब में लगे हैं, ऐसा कोई ऑटो मीटर नहीं चालू इसलिए नहीं है कि ना तो उपभोक्ता मीटर की रीडिंग से चलना चाहता और ना ही प्रशासन चलाना चाहता। अगर सरकार चाहे ऑटो वालों को गुड फेथ मिले तो ये लोग मीटर से अपनी रीडिंग देने को तैयार बैठे। शहर में ऐसा कोई ऑटो नहीं जहाँ मीटर लगा हुआ हो? नहीं, अधिकांश ऑटो में है, यहाँ बैठे हैं आपके पास ऑटो वाले बहुत सारे लोग। अब चूंकि मीटर की व्यवस्था ही नहीं है तो ये लोग निकाल कर रखा देते हैं। परमिट ही मीटर लगाने के बाद, भले इनका मीटर घर में रखा हो लेकिन परमिट मिलने में ही, मीटर लगा है तभी तो परमिट देते हैं, मीटर से कोई चलना भी नहीं चाहता। मध्य प्रदेश उपभोक्ता संगठन धान के प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी द्वारा कटनी जिले के समस्त ऑटो चालकों को यहां बुलाया गया है। उनकी गंभीर समस्या है, उनके ऊपर अगर एक दस्तावेज नहीं होता तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगता है। 5 रुपए 10 रुपए में सवारी बैठा कर शहर में ऑटो चलाते हैं और उन्हें 10,000 रुपए 20,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। उनकी पीड़ा को देखते हुए आज यहाँ प्रशासन से लड़ने के लिए, प्रशासन द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती ऑटो वालों को, उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया है इंडियन कॉफी हाउस कटनी। आपका इसमें क्या सहयोग रहेगा? मेरा ये रहेगा कि जो हमारे ऑटो चालक भाई लोग हैं उन्हें कुछ जो कानूनी परेशानियां होती हैं, दस्तावेज से संबंधित परेशानियां होती हैं, उनको मैं एक मार्गदर्शन प्रदान करूंगा। सभी लोग अपना दस्तावेज कंप्लीट कराएं, भाई रेस में रहें और इसके बाद फिर प्रशासन या पुलिस किसी प्रकार की परेशान अगर इनको करते हैं तो उसके लिए हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। शुल्क लेंगे आप? शुल्क रहेगा जी? ये नहीं, ये एक, मैं भी कांग्रेस पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और एक कांग्रेस पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं एक अपने कटनी जिले के समस्त जो ऑटो चालक हैं उनको निःशुल्क सेवा प्रदान करूंगा। इसमें कोई फीस वाली कोई बात नहीं। अमित शुक्ला, जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष, अभी नया एट द रेट टीम कमलनाथ जी का प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया गया है और मैं इन्हीं सब जो दबे कुचले लोग हैं उनको, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय नकुलनाथ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल जी द्वारा मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मैं चाहता हूं कि जो पिछले तबके के लोग हैं और जिनकी समस्याएं ये भाजपा सरकार नहीं सुन पा रही है, उनकी समस्याओं को निपटारा कराने के लिए मैं ये आगे कांग्रेस में आया हूं।